जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को या एसपेरेंट्स को थे थेरी एप्लीकेशन में बड़े सारे इश्यूज होते हैं इन्हीं इश्यूज को इन व्यू रख के जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे समझेंगे उसका टाइटल है मैथडोलॉजीज इन इंटरनेशनल रिलेशन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में थेरीज हैं या थेरेटिकल जो एक ट्रेडिशन है उसमें जो थ्योरिस्ट हैं वो किन एरियाज को या किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं वाइल थियोराइजिंग ऑन अ सर्टेन डेवलपमेंट और सर्टेन डेवलपमेंट्स यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन सी मैथडोलॉजीज किन किन चैनल्स को यूटिलाइज किया जाता है बाय थ्योरिस्ट इन ऑर्डर टू टेलर अ न्यू थीरी मैथडोलॉजीज में अगर बात कर लें तो ब्रॉडली स्पीकिंग इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे पास चार मैथडोलॉजीज हैं या चार हमारे पास डिफरेंट प्रिजम्स हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्कॉलर्स हैं या जो थ्योरिस्ट हैं वो उन चार में से किसी एक प्रिज्म को यूटिलाइज करते हैं किसी एक डेवलपमेंट के ऊपर थेरी को इस्टेब्लिश और एक थेरी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अवेलेबल फोर प्रिज्म में से एक प्रिज्म को यूटिलाइज करते हैं वन बाय वन नाम आप लोगों को बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं जो फर्स्ट मैथडोलॉजी है रिलेशन में इंटरनेशनल रिलेशन थियोराइजिंग में उसका नाम है ट्रेडिशनल और क्लासिकल मैथडोलॉजी सेकेंड जो हमारे पास मैथड है या प्रिज्म है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक और बिहेवियरल मैथडोलॉजी थर्ड पॉजिटिविस्ट एंड लास्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे चार प्रिजन हैं मेथड्स हैं ऐसे फोर फ्रेमवर्क्स हैं या सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के वो थेरी मेकिंग का, का काम करते हैं या इन चार में से किसी एक मेथड को यूटिलाइज करते हैं टू स्टडी आर टू इन्वेस्टिगेट बिहेवियर ऑफ स्टेट्स एंड सो सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी क्या है हिस्टोरियंस और आई के जो स्कॉलर्स हैं, वो इस मैथडोलॉजी के बारे में कहते हैं कि इट्स अ नॉर्मेटिव मैथडोलॉजी आर नॉर्मेटिव सिस्टम टू स्टडी और इन्वेस्टिगेट इंटरस्टेट रिलेशंस, रिलेशन यानी कि इस मैथड के थ्रू जो थ्योरिस्ट हैं वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसिस को फिलासफी को मॉरल आर लीगल फेयर्स को कंसिडर करते हैं इन आर्डर टू अंडरस्टैंड आर टू स्टडी स्टेट्स रिलेशन आर टू स्टडी इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स आर एक्टर्स विथ सिस्टम यानी कि इस मैथडोलॉजी में जो स्कॉलर्स हैं या थियोरिस्ट हैं वो पास को यूटिलाइज करते हैं इन आर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर सो ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी एक ऐसे मैथडोलॉजी है, है जिसमें थ्योरिस्ट पास्ट को हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसिस और हिस्ट्री को स्टडी करते हैं फिलोसफी को स्टडी करते थे मॉरल और लीगल फेस को स्टडी करते थे ताकि इस स्टडी के थ्रू जो प्रेजेंट या कंटेम्प्रेरी इरा है उसमें जो इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं उनको समझा जा सके समझने के बाद उन इवेंट्स से रिलेटेड थ्योरीज बना के प्रोवाइड या थ्योरीज को इंट्रोड्यूस करवाना ताकि स्टेट्स को बताया जा सके कि अगर इन इवेंट्स को या उन डेवलपमेंट्स को या उन डिसप्शंस को टाइमली करटेल नहीं किया गया तो उनके जो रेपरकशंस हैं या उनके जो रेमिफिकेशंस हैं वो सवियर हैं इसमें फर्दर अगर आगे चलें ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी में तो इसमें नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपको बताया बेस करता है जिन टूल्स को यूज किया जाता है वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है नॉट रदर देन साइंटिफिक मेथड जो कि हम आगे बिहेवियरल मैथलॉजी में पढ़ लेंगे सो so, एक अगर इस मैथडोलॉजी का एक अगर स्टेटमेंट देख लें तो फॉर एग्जाम्पल एक जनरलाइज स्टेटमेंट इस मैथडोलॉजी को यूटिलाइज करने वाले थियोरीज का कहना है डेमोक्रेसी लीड्स टू पीस अब इस स्टेटमेंट में कोई कंफर्मेशन और कोई ऐसी साइंटिफिक वैलिडेशन इसमें नहीं है या इस स्टेटमेंट की जो वैलिडिटी है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई टूल और मैकेनिज्म नहीं है कि हाउ डस डेमोक्रेसीज लीड टू पीस सो ऐसे जनरलाइज जो है ना वो स्टेटमेंट्स जिन थेरीज में अवेलेबल हों जिन थेरीज की अंडरपिनिंग्स में सरफेस या फ्लोट करें तो हमने समझना है कि वो जो थेरी है या थेरीज हैं वो ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी पर बेस करती हैं ये हमारे पास है मैथडोलॉजी में सबसे फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी आगे चलते हैं दूसरी हमारे पास बिहेवरल या उसको साइंटिफिक भी कहते हैं बाज दफ़े इसको काफ़ी सारे ऑथर्स एम्पीरिसम भी इसको कहते हैं इन मार्केटली कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी बिहेवरल जो बिहेवियलिस्ट हैं वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई आर पर प्रेफर करते हैं या प्रायोरिटाइज करते हैं इस मैथडोलॉजी को यूटिलाइज करने वाले थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल रिलेशन को सही समझने के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स और उसके जो एलिमेंट्स हैं या जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक स्टेट्स हैं या दूसरे एक्टर्स हैं उनके बिहेवियर और इंटरेक्शंस को सही समझने के लिए जो वैलिड मेथड है और थ्योराइजिंग के लिए भी जो वैलिड मेथड है वो बिहेवियरल मेथड है या साइंटिफिक मैथड जिसमें जो थ्योरिस्ट हैं वो वेरीफाइबल डेटा को या डेटा या स्टेटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उस डेटा के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट की बेस पे स्टेटमेंट्स को जनरेट किया जाता है यानी कि सिंपली पुट बिहेवियरल मेथोडोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू थ्योरीज जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं या स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं जिसको हम क्वान्टिफाइबल डेटा भी कहते हैं फिर उस डेटा की वैलिडिटी को वेरीफाई करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन यानी जैसे साइंटिफिक मेथड में हम करते हैं वो उस प्रोसेस में से गुजारा जाता है गिवन जो डेटा है उसको ताकि डिड्यूस उस किया जा सके कि रिजल्ट हमारे पास क्या हैं और उन्हीं रिजल्ट की बेस पे हमने या जो थ्यूरिस्ट हैं वो एक स्टेटमेंट आर एक थ्यूरी मेकिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस मेथड का जो एक क्वेश्चन है आप लोगों को समझाने के लिए जैसे हमने ऊपर देखा कि जो ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी को फॉलो करने वाले जो ऑथर्स या थ्योरिस्ट हैं उनका कहना था कि डेमोक्रेसीज लीड टू पीस यानी कि जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पीस है यानी एक ऐसा स्टेटमेंट इसको कंसीडर करते हैं कि वन डेमोक्रेसी डजेंट फाइट अदर डेमोक्रेसीज ये एक हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बेस करता है ट्रेडिशनल मैथोडोलॉजी पर जबकि बिहेवियरल मैथडोलॉजी में बात कर लें तो यहां पे इनका कहना है कि डस डेमोक्रेसीज लीड टू पीस या डस्ट डेमोक्रेसी लीड टू पीस ये इन्वेस्टिगेट और क्वेश्चन करते हैं कि कैसे अगर डेमोक्रेसीज की प्रेजेंस की वजह से पीस परपेचुएट कर सकती है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल हमें रीजन चाहिए हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट और काउंटर हमारे पास एक ऐसा प्रूफ चाहिए जिसके थ्रू हम ये और कर, कन्फर्म कर, कर, करें कि यस डेमोक्रेसीज आर मोर लाइकली टू बिकम पीसफुल तो ये हमारे पास सेकेंड मैथडोलॉजी है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल मैथडोलॉजी जो थर्ड मैथडोलॉजी है या पैराडाइम है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव पैराडाइम पॉजिटिव पैराडाइम को हम कह सकते हैं कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ बिहेवियर और साइंटिफिक मैथडोलॉजी इसको हम बज दफा जैसे ऊपर हमने बात की या भी कहते हैं सो पॉजिटिविज्म या या जो है पैराडाइम है वो एक्सटेंशन है साइंटिफिक और बिहेवियरल मैथडोलॉजी की तो इसमें बिहेवियरल काफी कन्वर्जेंस हैं फॉर एग्जाम्पल इनका भी यही कहना है कि हमने प्रिसाइस और इम्पीरिकल अप्रोच यूटिलाइज करना है ताकि हम साइंटिफिक टेक्निक्स या साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम अपनी नॉलेज को अवेलेबल डेटा को हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वो एक रिज़ल्ट पर पहुंचे और उसी रिज़ल्ट की बेस पे हम देख लें स्टेट्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है स्टेट्स का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कैसे उनकी इंटरेक्शन को या उनका जो इमेज है उनको कैसे शेप करते हैं सो so, पॉजिटिव का कहना ये है कि हमने थियोराइजिंग करते वक्त स्टेट्स के बिहेवियर को समझने से पहले और इंटरनल पॉलिटिक्स को सही समझने के लिए इम्पीरिकल या स्टेटिस्टिकल अप्रोच यूज करना है आप अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख लें कि पॉजिटिविस्ट असर्ट ऑन साइंस इम्पीरिकल अप्रोच बेस्ड ऑन लॉजिकली रिलेटेड हाइपोथिस दैट कैन बी टेस्ट थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स आर मैथड इवन इट रिक्वायर स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस यानी कि जो पॉजिटिविज्म है इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग साइंटिफिक मैथड टू कल्टिवेट न्यू थियोरेटिकल ट्रेडिशंस थ्योरीज को बनाने के लिए स्टेट्स के रिलेशंस, बिहेवियर को समझने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सही समझने के लिए इनके अकॉर्डिंग हमें जो मेथड यूज़ करना चाहिए या जो मेथड वैलिड है वो पॉजिटिविज़्म या पॉजिटिविज पैराडाइम है सो so, इसकी अगर एग्जाम्पल अगर देख लें पॉजिटिविज़म की तो गेम थेरी आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे पास प्रिजनेस डायलमा है सिक्योरिटी है जो कि हम पढ़ते हैं गेम थेरी में तो गेम थे एक 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 तो या हमने जो पढ़ा था शुरू में क्लासिकल मैथडोलॉजी अब इनका भी कहना है कि स्टेट्स के रिलेशन को स्टेट बिहेवियर को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए थ्यूरी मेकिंग के लिए जो वैलिड मैथड है वो है कि हम पास को पास में जो अकर होने वाले इवेंट्स हैं उनको कंसीडर करें मॉरल वैल्यूज को कंसीडर कर लें फिलोसॉफिकल या फिलोसफी को हम कंसीडर करें स्टेट रिलेशन को समझने के लिए या थ्योरी मेकिंग के लिए तो जिस मैथड का ये कहना है उसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म इसको जैसे ऊपर हमने बात की एक नॉर्मेटिव अप्रोच है नॉर्मेटिव से मुराद ये है कि इस पैराडाइम के जो स्कॉलर्स हैं वो नॉर्म्स को आइडियाज को आइडियोलॉजीज को बिलीव्स को कंसिडर करते हैं टर्न सो so, जो पॉजिटिविज्म है जैसे ऊपर हमने बात की वो एक्सटेंशन है बिहेवियरल या साइंटिफिक मेथड की सिमिलरली जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो इस एन अपडेटेड वर्शन आर एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल आर ट्रेडिशनल मैथडोलोजी सो यहाँ तक हमें यह समझ आती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में फोर हमारे पास ऐसे प्रिज्म अवेलेबल हैं या ऐसे मैथडोलॉजीज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्कॉलर्स हैं वो इवेंट्स को डिवेलपमेंट्स को स्टडी करते हैं स्टेट्स बिहेवियर को स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको स्टडी एंड ऑब्जर्व करते हैं और अपनी इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पर थियोराइजिंग करते हैं So, this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.